आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना मजबूती से आम का पांचवी पीढ़ी लड़ाकू विमान कार्यक्रम का समर्थन करती है, अन्य पांचवी पीढ़ी प्रस्तावों को ध्यान में नहीं ले रही। तेजस MK2 इंजन सौदे के बाद केंद्र ने 6 प्रोटोटाइप्स पर काम को मंजूरी दी। इंडियन एयरफोर्स IAF भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के विकास का सख्त समर्थन करती है। IAF किसी अन्य फिफ्थ जनरेशन के लड़ाकू जेट की खरीद पर विचार नहीं कर रही है और इसका ध्यान केवल AMCA प्रोग्राम पर है। AMCA प्रोग्राम 15,000 करोड़ की लागत पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS के स्वीकृति हासिल करने की दिशा में स्टेडी प्रोग्रेस कर रहा है। IAF ने पहले रूसी Su-57E पर आधारित FGFA फिफ्थ जनरेशन फाइटर की खरीद की संभावना का अध्ययन किया था, लेकिन इस प्रोग्राम से संबंधित समस्याओं और असहमतियों के कारण इससे वापस हट गई थी। अब तक किसी भी देश ने भारत को फिफ्थ जनरेशन के लड़ाकू जेट सहित यूनाइटेड स्टेट्स के F-35 लाइटनिंग 2 आधिकारिक पेशकश नहीं की है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़ ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जारी किया है, जिसमें कोलैबोरेशन के लिए पोटेंशियल पार्टनर्स को आमंत्रित किया गया है, जो टैंक और ड्रोन्स के लिए AI एनेबल्ड मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम के डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सप्लाई करेगी। इसका उद्देश्य विभिन्न भूभागों और गतिशील वातावरण में मैकेनाइज्ड फोर्सेज की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कटिंग एज AI ड्राइवन प्लेटफॉर्म बनाना है। सिस्टम मैन टैंक्स और अनमैन एरियल वाहनों UAV को मिलाता है। ऑटोनोमस UAV दिन और रात में ऑपरेट होने के लिए है, जो टैंक क्रू को रियल टाइम पर सूचना प्रदान करता है। UAV उन्नत अल कैपेबिलिटीज से लैस होगा, जो वस्तु की डिटेक्शन और एनालिसिस के लिए है। माइक्रो UAV को सीधे टैंक टरेट से उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क की समृद्धि होगी। यह तकनीक टैंक क्रूज को महत्वपूर्ण स्थिति जागरूकता से लैस करती है और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है। इंडियन नेवी ने 12 माइन काउंटर मेजर MCMV के लिए RFI जारी किए हैं। MCMVs को 8 वर्षों के भीतर चरणबद्ध रूप में निर्मित किया जाएगा। वेसल्स को मल्टीरोल क्षमताओं से संपन्न किया जाएगा, जिसमें माइन काउंटर मेजर ऑपरेशंस SAR, HADR और अन्य शामिल होंगे। डायमेंशंस 87 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई, 4.1 मीटर ड्राफ्ट और 2,800 टन। स्पीड अधिकतम 20 नॉट्स, इकोनॉमिकल 14 नॉट्स, एंड्यूरेंस 14 नॉट्स पर 2,500 नॉटिकल माइल या उससे अधिक। ऑपरेशंस की सीवर्डनेस अप टू सी स्टेट 4, सर्वाइवेबिलिटी अप टू सी स्टेट 6। प्रोपल्शन 2 डीजल इंजन और 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स से लेस कॉम्बाइंड डीजल या इलेक्ट्रिक CODE कॉन्फिगरेशन। डिलीवरी टाइमलाइन 2030 से 2037 के बीच प्रस्तावित है। सेंटर ने LCA मार्क 2 के कंडीशनल क्लॉज को माफ किया, 6 प्रोटोटाइप्स पर काम शुरू हो गया। भारत में G414 इंजन के उत्पादन के लिए अग्रीमेंट किया गया। अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी का इंतजार, इसे बाईपार्टिजन सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। डोमेस्टिक इंजन प्रोडक्शन आवश्यक, डिजाइन तैयार है। प्रोटोटाइप्स विकास की एस्टिमेटेड टाइम 5 से 6 वर्ष है। HAL 15 वर्ष या उससे अधिक के दौरान 230 LCA मार्क 2 एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगा। इंडिया के इंडिजिनस एरोस्पेस कैपेबिलिटीज और भारतीय वायुसेना के युद्ध वाहनों के लिए प्रॉमिसिंग फ्यूचर। ADA ने LSP-7 एयरक्राफ्ट पर ग्राउंड बट फायरिंग के सफल समापन की पुष्टि की है। परीक्षणों में 3 अलग अलग गन फायरिंग मोड्स इन्हें संतुष्टि पूर्वक किया गया। GSH-23 ट्विन बैरल 23 मिलीमीटर गशागन ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और एक्यूरेसी के लिए इवैल्यूएट किया गया। गन LCA तेजस का एक इंटीग्रल वेपन सिस्टम है, जो एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर सिनेरियोस के लिए फायर पावर प्रदान करता है। गशागन रिलायबिलिटी और लिथालिटी के लिए जाना जाता है, जो LCA तेजस की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। फायरिंग परीक्षणों के समापन से LCA तेजस के फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की प्राप्ति की दिशा में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। GSH-23 गन के उड़ान परीक्षण अस्थायी रूप से बंद रखे गए हैं। भविष्य में वायु सेना के स्क्वेड्रन लेवल्स पर इन्हें किया जाएगा।